एक्सक्यूज मी टीटी सर, ट्रेन कितनी देर में आने वाली है? अभी 5 मिनट में आएगी। पता नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रेन 5 मिनट नहीं बल्कि 5 घंटा लेट होती तो और भी अच्छा होता। लेकिन क्यों? तब तक तुम मेरे साथ जो रहोगी इसलिए। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है और तुम चली जाओगी तो ऐसा लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, अब तक मैंने इतनी स्पीड से बाइक चलाई थी मुझे पहले इतना टेंशन नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं आज बाय हार्ट करने वाला लेसन हाई स्कूल टीचर के सामने बताने के लिए प्राइमरी स्टूडेंट की तरह मेरा दिल धक धक कर रहा है। वेदर कूल होने के बावजूद भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा दिल एक्वेरियम से बाहर आने के लिए तड़पने वाली मछली की तरह बार बार धड़क रहा है। हार्ट बीट नॉन स्टॉप बज रही हैं। अगर सिम्टम्स देखे जाएं, तो डेफिनेटली लव फीलिंग्स लग रही है। आई लव यू धनलक्ष्मी। वही बता रही हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरे पेरेंट्स और फैमिली से बढ़कर ना तो कोई था और ना होगा, वही मेरे सब कुछ है। I'm really sorry, मुन्ना। धनलक्ष्मी, तू हम लोगों से पहले ही यहाँ पहुँच गई। हाँ, तेरा राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? Of course, अच्छा ही रहा होगा, इसलिए तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गई। हाय, हेलो, हाय, देखो माँ ये। हेलो आंटी। हाय माँ। हाय बेटा। हाय माँ। रेस में तुम्हारे भैया जीते क्या? जी माँ। एट लास्ट मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आर यू हैप्पी? हाँ माँ। कम, लेट्स गो। रेस कहकर अपनी जिंदगी खराब कर ली है। ये नेम फेम ये सब पतंग के जैसा है, जिस तरफ हवा चलेगी उसी तरफ उड़ेगी। जब जीतोगे तब लोग तालियां बजाएंगे और जब हारोगे कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। देखो ये सब छोड़कर तुम बिजनेस पर ध्यान दो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। चैंपियन कप मेरे लाइफ टाइम का एम्बिशन है माँ, एक बार उसे जीत लेने दो फिर आप जो कहोगी मैं करूंगा। जिंदगी में रिस्क लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन रिस्क को जिंदगी मत बनने दो। तुम अपने बाप के जैसे मत बनो, बी प्रैक्टिकल। बस माँ प्लीज, अगली बार उस आदमी का नाम मत लीजिएगा, मेरे लिए माँ बाप दोनों आप ही हो। मुझे बस एक चांस दे दो, मैं क्या हूँ ये मैं साबित कर दूंगा। रेस ट्रैक पर जो भी खड़ा होता है उसे ट्रैक और ट्रैक रिकॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता बेटा। इस रेस में तुम्हारी माँ ने जितना पाया है उससे कहीं कहीं ज्यादा खोया है बेटा। सच
सर झुका के खड़ा, ऐसा क्या कर दिया तूने? अरे इस शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज थोड़ी है, ज्यादा मत सोच, मैं उससे बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा तेरा। प्लेस का क्या हुआ? सेकंड प्लेस पापा। सेकंड प्लेस? सुन तू अपनी माँ को ये मत बताना कि तू सेकंड आया है, बोलना तू रेस में फर्स्ट आया है। ठीक है पापा, कम ऑन चल आ जा जल्दी। आज तेरी माँ का पारा चढ़ा हुआ है, जरा संभल के हैंडल करना। माँ? हाँ? क्यों जी, आपने इसे अंदर क्यों बुलाया? बोल रहा है कि वो अगली बार ऐसी गलती नहीं करेगा, बोलो इसके साथ क्या करूँ? सॉरी बोलना। माँ सॉरी। माँ क्या कर रहा है, अंदर जाके सॉरी बोलना, चल जा। माँ प्लीज माँ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। कैसी रही मेरी एक्टिंग? माँ हो तो तुम्हारे जैसी होनी चाहिए, तुम सच में महान एक्टर हो माँ। ये महान एक्टर है और मैं इससे भी महान एक्टर हूँ। तुमने तो कहा था बहू को घर ला रहा हूँ, तो फिर अकेले क्यों आए? कुछ पूछ रही हूँ बोलो ना। ये देखो। तुमने बिल्कुल सही कहा था, जीन्स पैंट में भी बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लग रही है। दूसरी फोटो दिखा। इस बार भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बहुत ही सिंसियरली इसने ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सही कहा ना मैंने? ए, नीट क्यों पी रहा है, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन एक बात बता, लव में फेल तो मैं हुआ हूँ और मोहब्बत का दर्द भी मेरे सीने में हो रहा है, लेकिन तू क्यों इतना फील कर रहा है? हे, किसी को भी खुजाने दो, दर्द तो दर्द ही होता है ना, और चोट चोट ही होती है। ए, तेरा ये जो दोस्त है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, तेरे सात जन्मों के कुकर्मों का, नहीं नहीं पुण्य कर्मों का फल है। करेक्ट बोला मुन्ना, तू कितना अच्छा दोस्त है भाई, तू इधर आ। तेरे कंधे पे सर रख कर रोने का दिल कर रहा है, लेकिन मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे यार। रियल मैटर पता चला तो आंखों से आंसू नहीं खून गिरेंगे। ये जो प्यार है ना, ये शमशान घाट की तरह है, क्या मोहब्बत की चिताओं में आग धधकती रहती है एंटनी। लेकिन क्या है, ये जो फ्रेंडशिप है ना, वो एक खूबसूरत गार्डन की तरह है, वह मेरी तरह, तेरी तरह, और तेरी तरह भी रंग बिरंगे खूबसूरत ब्यूटीफुल फ्लावर खिलते हैं। ब्यूटीफुल फ्लावर। ए, लाल बाग के फ्लावर को छोड़, अंकल जो क्वार्टर लेकर आए हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट कर। हाँ वैसे अंकल आ तो बहुत कूल रहते हैं, लेकिन आज आप कुछ लाल पीले दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? व्हाट इज द मैटर? तुम्हें बताओ कैसे कूल रहूं? दिल में मेरे आग लगी हुई है और तुम कह रहे हो कि कूल रहो? मेरा बेटा हर रेस में हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन इस बार वो सेकंड आया है, क्यों? आखिर इसके वजह कौन हो सकता है? कौन है वो बेवकूफ? तू ही है। बात सुन बेटा, सबसे पहले अपने इस मेंटल मैकेनिक को चेंज कर। अंकल बिजनेस में नंबर वन धीरू भाई अंबानी, और सिंसियरिटी में काम के लिए, काम के लिए अमर अकबर एंथोनी। मेरे बारे में बताया आपको, आप ऐसे बोल देते हैं? चलो रेस की बात छोड़ो, एक बार दो पैग हो जाए या तीन पैग हो जाए, उसके बाद मैं ये सब भूल जाया करता हूँ। लेकिन आज मैं पूरी बोतल लेके क्यों बैठा हूँ पता है? वो क्यों? लव मैटर है। अच्छा, तेरे बाप को इस उम्र में लव हो गया, क्या मैटर है अंकल? मेरा नहीं रे, इसका। मेरे दिल में आग ऐसे ही नहीं जल रही है, तभी तो दिल ठंडा कर रहा हूँ। अरे एंथोनी यार बोलना कुछ। लव में मैं फेल हुआ और अंकल इतना फील कर रहे हैं। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, जो हुआ सो हुआ, मैं बिल्कुल फील नहीं कर रहा। अंकल आप क्यों इतना फील कर रहे हैं, कंट्रोल कीजिए अंकल, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, पीजिए। कैसे कंट्रोल करूं, क्यों मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरे दिल में भी धड़कन धड़कती है। सुन तेरे बाप को बहुत चढ़ गई है। अंकल आंटी बुला रही है, आप चाहिए? अब तक मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मेरा बेटा सिर्फ मुझसे ही क्लोज है, लेकिन इसने बहुत बड़ी बात छुपाई। पापा वो सब अभी छोड़िए ना। आखिर ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्यों डर लग रहा है? या तो प्यार मत करना, और अगर प्यार कर लिया तो फिर कभी मत डरना। करेक्ट, प्यार किया तो डरना क्या है? बात सुन, इससे पूछ के तेरी भाभी कब लेके आ रहा है? अच्छा भाभी कब लेके आ रहा है? भाभी कौन? वही जिससे ये प्यार कर रहा है, जिसका बहुत ही प्यारा नाम है धनलक्ष्मी। धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी। हाँ वही,
धन लक्ष्मी, अब जरा देखो इसकी हालत, नाम सुनते ही कितना खुश हो गई। अब जब तुम उस धन लक्ष्मी को मुझसे इस घर में मिलाने लेके आओगे, तभी मैं तुम लोगों के साथ दोबारा यहाँ बैठ के पीऊंगा। तब तक मैं कुछ नहीं पीने वाला, उसे लेके आओ, नहीं तो गुड बाय। क्या रे, इन्वेस्टमेंट मेरा और एडजस्टमेंट तेरा? सॉरी यार। अरे क्या सॉरी यार, तुझे विकेट कीपिंग के लिए बोला तो तू बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग सब कुछ करने लगा। ए, ये तो ऑलराउंडर था, लेकिन उसने इसे भी तो रिजेक्ट कर दिया। उसने तुझे भी रिजेक्ट कर दिया क्या? सुपर। तुझे किस बात की इतनी खुशी हो रही है भाई? मैं अपने लव में पास नहीं हो पाने के इस दुख को ये लव में पास नहीं हुआ इस खुशी में भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। कमाल की फ्रेंडशिप है तुम दोनों की यार। एक बात बोलता हूँ सुन। बोल। टीले के पास जाओगे तो सांप मिलता है, लड़की के पीछे भागोगे तो मौत मिलेगी। करेक्ट। सांप काटने के बाद तुझे ये बात समझ में आई? अभी से नो लव सॉन्ग, ओनली फीलिंग सॉन्ग। आंटी। हाँ मुझे पता है। आओ बेटी, धनलक्ष्मी हो ना। हाँ। मुना ने सब कुछ बताया। फोटो से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। ऐसा लग रहा है त्योहार के दिन जैसे साक्षात लक्ष्मी घर आई है। आओ आओ बैठो बैठो ना। कॉफी चाय कुछ लाऊं? अरे पहली बार तुम हमारे घर पर आई हो और मैं तुम्हें चाय कॉफी पूछ रही हूँ। अच्छा तुम्हें सेवई पसंद है क्या? अच्छा बनाती हूँ। नहीं आंटी, मैं खा कर आई हूँ। अच्छा ठीक है बेटी, इसे अपना ही घर समझना। मुन्ना अभी तक सोया है, मैं जाकर उसे उठाती हूँ। हाँ? मुन्ना, ए मुन्ना, दरवाजा खोलना। मुन्ना। क्या आंटी? मुन्ना को उठा, उसे मिलने कोई आया है। सुबह सुबह वो डेढ़ फुटिया एंथोनी तो नहीं आया है ना? इधर आ। अरे कौन है? देखो धनलक्ष्मी। उठ जा जल्दी उठ जा मुन्ना। अरे क्या हुआ यार? धनलक्ष्मी आई भाई। धनलक्ष्मी। देख तूने मुझे बोला था कि उसने तुझे रिजेक्ट किया है ना, और वो देख तेरे घर तक आ गई है। नहीं यार, जब धरती में पानी नहीं है तो बोरवेल में पानी कहाँ से आ गया? अरे माँ कसम मुझे नहीं पता यार। वो सब छोड़, देख वो अभी यहाँ पर आई है। देख यार आखिरी बार उस धनलक्ष्मी से मेरे लव मैटर की सेटिंग कर दे यार, एक छोटी सी हेल्प कर दे। क्या करूँ मैं? मेरी तरफ से एक छोटा सा एप्लीकेशन दे दे, लास्ट प्लीज कर दे यार, प्लीज कर यार। दे दोस्त है तू मेरा, कर दे यार, जाना जाना प्लीज जाना यार। ये क्या, तुम तो सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज की तरह मेरे घर में आ गई। तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। अभी घर में बात करने के हालत में नहीं हूँ मैं, क्योंकि घर में सभी ने एक मिसाइल पकड़ रखा है। टेरेस पर चलते हैं। बैठो। मुन्ना मेरा भाई घर लौट आया, उसका कारण सिर्फ तुम हो। अगर वो रेस में हार जाता तो वो घर कभी नहीं आता। अरे मैं एक रेस क्या हार गया तो तुम्हारी पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई। मुन्ना यू आर ग्रेट। तुम्हारा एक ही भाई है ना? हाँ, पर क्यों? बच गया। तुम्हारे मम्मी पापा को तो थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को इकट्ठा करने के लिए मुझे कितनी रेस हारनी पड़ती थी क्या पता। तुम कभी सीरियसली बात नहीं करते? वो सब छोड़ो ना मैडम, सिर्फ थैंक्स कहने के लिए तुम मेरे घर तक चली आई, उसे तो फोन पर भी बता सकती थी ना। मैं तुम्हारे घर आई, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? मैडम बारिश आएगी तो किसान भला क्यों परेशान होगा? मैं कुछ समझी नहीं। समझोगी तो कोई फायदा भी नहीं होगा। छोड़ो मैं कॉफी या टी लेके आता हूँ। आई लव यू मुन्ना। क्या तुम्हें याद है 10th स्टैंडर्ड हमारे स्कूल के प्लेग्राउंड में ये किचन तुमने मुझे दिया था? इसे तुमने अभी तक रखा है? You are my first love, मुन्ना। धोखा दिया, धोखा दिया। हम फिर मिलेंगे ये कभी सोचा ही नहीं था। जब तुम्हें ट्रेन में देखा
मैं बहुत खुश हुई थी। तो फिर तुमने मुझे इतना क्यों सताया? फैमिली प्रॉब्लम है। तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली जैसी है। चाहे जितनी भी मुसीबत रहने दो, तुम्हारी माँ को मेरी माँ समझाएगी और समझाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ।